आज मैं आप लोग सबसे शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेच मार्क को आप कैसे रिड्यूस करोगे। जब कृष्णा मेरी टमी में था तो मुझे स्ट्रेच मार्क की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब मैं आप लोग के साथ में एक्सरसाइज शेयर करूंगी बेली फैट की, तब आप लोग खुद भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, जब आप शुरू से प्रॉपर केयर करते हो तो आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। शुरू से आप अपनी ख्याल रखते हो, शुरू से आप अपने बालों के बारे में, अपने स्किन के बारे में ध्यान देते हो, तो आपको ना तो झाइयों की प्रॉब्लम होती है और ना ही आपको हेयर फॉल होता है, ना ही आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही आपके स्किन में, ना ही आपका पेट बाहर आता है। अगर आपने थोड़ा सा भी ढील दिया तो ये प्रॉब्लम्स जो आपकी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है। तो फाइनली आज मैं आप लोग सामने शेयर करने वाली हूँ 10 से 12 ऐसी टिप्स जिससे कि आपकी जो स्ट्रेच मार्क है वो आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिनके डिलीवरी होने वाली है या जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं या जिनकी डिलीवरी जो बेबी कंसीव कर चुके हैं, 9वां महीना, 7वां महीना, 5वां महीना, 3रा महीना चल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। बिकॉज क्या है कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तब मैंने ये सारी चीजें करना स्टार्ट की थी और मुझे आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही तो मुझे स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है, ना ही मेरी कहीं टमी के पास स्किन लूज हुई है और ना ही मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो फेस पे झाइयां हो, पिगमेंटेशन हो, ना ही मुझे कोई हेयर फॉल है। कि प्रॉब्लम्स आपके पास में है और उसका सोल्यूशन आपके पास में है तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आपको एलोवेरा जेल लेना है, घर का एलोवेरा जेल लेना है और उसको पूरी टमी पे आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद से आपको एक जो आपका व्हाइट कलर का जो सेलोपिन टाइप की पन्नी आती है, जिससे आपका एक फॉइल पेपर आता है और एक सेलोपिन टाइप की पन्नी आती है, उससे अपने पूरे टमी पर आपको रैप कर लेना है। प्रेगनेंसी से पहले भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी कर सकते हैं, जब आपके पेट में बेबी है आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आप जब इसको रैपिंग करेंगे तो थोड़ा सा लूज करके कीजिएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, एक चम्मच एलोवेरा जेल लिया घर का और उसको अच्छी तरीके से जेल निकाल लीजिए एक लीव से, और उसके बाद से उसमें आप थोड़ा सा व्हाइट शुगर डाल दीजिए, ठीक है, चीनी का पाउडर डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद से एक ब्रश से या फिर हाथों से अपने धीरे धीरे टमी पर मसाज कीजिए, जहां भी आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है। आप इसको अपने फेस पे, बॉडी पे, नेक पे, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आप लोग को जो बता रही हूँ ये स्ट्रेच मार्क में भी हेल्प करता है। आपकी बॉडी को व्हाइटनिंग इफेक्ट देने का भी काम करता है, आपकी बॉडी को टाइटनिंग का भी काम करता है, आपकी बॉडी से जो भी मार्क्स है उनको दूर करने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो चीजें खत्म हो जाती है और आपकी जो झुर्रियां होती है वो होना शुरू हो जाती है, स्किन आपकी डार्क हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रेप करके रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा एलोवेरा और शुगर का स्क्रब हो गया, इसको स्क्रब बोलिए या मसाज क्रीम बोलिए, 20 मिनट के लिए लगाकर रखिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप नहा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैस्टर ऑयल, आप कैस्टर ऑयल लीजिए और उसको पूरे बॉडी पे लगाइए। कैस्टर ऑयल में बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन को नरिश करता है। गाढ़ा होता है, इसको आप डबल बॉयलर मेथड से थोड़ा सा हीट कीजिए, जहां भी आपको स्ट्रेच मार्क है या आपके फेस पे रिंकल्स पड़ गए, झुर्रियां पड़ गई, वहां पर आप इसको अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए 20 से 30 मिनट के लिए। इतना टाइम नहीं है, आपने लगा लिया, लगा करके आप अपना थोड़ा बहुत काम कीजिए, काम करने के बाद फिर से आप मसाज कर लीजिए, उसके बाद आप जाकर के शावर ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आलमंड और लेमन जूस, आपको लेना है 2 से 3 चम्मच आलमंड ऑयल और उसमें आपको डालना है 1 चम्मच आपका लेमन जूस। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद से आप इसको पूरे स्ट्रेच मार्क पे या फिर पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप शावर ले लीजिए। इसमें आपको साबुन और बॉडी वॉश की जरूरत नहीं होती है, अगर आप चाहें तो इसमें बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं, पूरी पानी में आप बॉडी वॉश को ऐड कर लीजिए और उसके बाद इससे आप शावर ले लीजिए या फिर बॉडी को अपने क्लीन कर लीजिए पानी डाल करके, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एप्रिकोट्स ऑयल, आपको ये अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर कहीं पे भी मिल जाएगा। इसका ऑयल लेना है आपको और अच्छी तरीके से इसमें आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए और 2 से 3 चम्मच आपका राइस वाटर, ठीक है, या फिर राइस का पाउडर बनाकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको पूरे स्ट्रेच मार्क पे, पूरी बॉडी पे अप्लाई कीजिए। इससे आपको व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट दोनों मिलता है। 20 मिनट जो भी चीजें बता रही हूँ 20 मिनट एटलीस्ट आपको यूज करना है, हफ्ते में 3 बार। आप चाहें तो इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको 5 मिनट करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको जो इसका फर्क आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में हम सर्च करते हैं और आपके सामने शेयर करते हैं। इन सारी चीजों को मैंने किया हुआ है, जो मैंने स्पेशली किया हुआ है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो चीजें मैंने नहीं करी है उसका मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है ना।
दूसरी चीज ये कि आपको लेना है 1 चम्मच आलमंड ऑयल। नेक्स्ट है हमारा 1 चम्मच आपको लेना है आलमंड ऑयल और 2 चम्मच इसमें आपको डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप घर का लेंगे वो ज्यादा बेस्ट है, अगर आप मार्केट का लेते तो वो धीरे धीरे आपको फर्क देता है। दोनों ऑयल को मिक्स करना है और 10 से 5 मिनट के लिए अपने स्ट्रेच मार्क वाली जगह पर अप्लाई करना है और मसाज करना है। सबसे अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं तो पहले आप अपने स्ट्रेच मार्क पे या फिर जहां पर भी आपको इसको अप्लाई करना है, आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, सन टैन है, व्हाइटनिंग इफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी काली हो रही है ना, डार्क पॉट्स हैं आपके, तो आप वहां पर थोड़ा सा स्टीम लीजिए, टॉवल का आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया भगोने में और उसको बॉइल कर लिया, बॉइल करने के बाद से आप एक टॉवल डाल दीजिए और उसको अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, ठीक है। स्क्वीज करने के बाद से उस एरिया पर आप इसको पैड कर दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। जब आप इसको पैड करते हैं तो जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो चीज आप अप्लाई करते हो वो अच्छे से अंदर तक जाती है। इसी तरीके से हम अपने फेस के लिए भी अगर केयर करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो अंदर ही अंदर ग्लोई होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा शिया बटर। शिया बटर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपके लिप्स के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके हैंड के लिए, आपकी बैक के लिए, आपकी लेग के लिए, ठीक है, आपकी हील्स के लिए, मींस की आपकी जो एड़ियां होती हैं उनके लिए शिया बटर लेना है। डबल बॉयलर मेथड से इसको हीट करना है। इसमें आप 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए क्योंकि ये कंप्लीट आपका एक मॉइस्चराइजर है, इसमें आपको कोई चीज नहीं डालनी होती है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड कर सकते हैं, इसको आप स्क्रबिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है वहां पर आप इसको अप्लाई कीजिए 20 मिनट के लिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी टिप है आपका एग व्हाइट। जो हम अंडा खाते हैं आपको देसी अंडा यहाँ पर नहीं यूज करना है, आपको व्हाइट वाला एग लेना है। अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो मेरे पास जो रेमेडीज हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच अपना एग व्हाइट लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा डाल देना है शुगर, ठीक है, जो हमारा सफेद वाली जो चीनी होती है वो डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और पूरी लेप की तरह इसको पूरे बॉडी पर, पूरी स्किन पे आप लगा सकते हैं और 20 मिनट बाद आप थोड़ा सा बॉडी वॉश डालिए पानी में, बाल्टी में, और उसके बाद से आप नहा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की टैनिंग होती है, जो डस्टिंग होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, जो डेड स्किन है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है और वहां पर जो स्किन होती है वो टाइट होना शुरू हो जाती है। जब टाइट स्किन होती है तो वहां पर ना तो स्ट्रेच मार्क पड़ते हैं, ना ही रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, ना ही झुर्रियां पड़ती हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बेबी होने के बाद से उनका जो पेट होता है वो अजीब सा हो जाता है, ऐसे सुकड़ा सुकड़ा सा हो जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। आपकी बॉडी को अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, आपकी बॉडी को एक ऐसा लुक चाहिए कि आप शॉर्ट्स भी पहने या फिर आप लहंगा पहन रहे हैं या फिर आप कोई क्रॉप टॉप पहन रहे हैं तो आपका जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, तो आपके ऊपर ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा आपका पोटैटो जूस। पोटैटो जूस आपकी बॉडी के लिए और आपके स्किन और आपके बालों के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। पोटैटो जूस अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको चाहिए 4 से 5 चम्मच पोटैटो जूस और 3 से 4 चम्मच टोमेटो जूस और 3 से 4 चम्मच आपका कुकुम्बर जूस। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए और 5 से 6 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए शहद और अच्छी तरीके से इनको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मसाज कीजिए। जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हैं तो क्या होता है, जो डेड स्किन होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है और आपकी जो स्किन होती है डे बाई डे ब्राइटनप होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट शुगर स्क्रब। व्हाइट शुगर स्क्रब को बनाने के लिए आपको 3 से 4 चम्मच चाहिए व्हाइट शुगर और 3 से 4 चम्मच चाहिए आपको शहद और 3 से 4 चम्मच आपको चाहिए कॉफी पाउडर और 1 चम्मच चाहिए आपको ग्रीन टी। इस शुगर को आप, इस स्क्रब को पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बहुत ही हल्के हाथों से, ठीक है। और अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स करना है और 3 से 4 चम्मच में आपको ऑलिव ऑयल डालना है या फिर सनफ्लावर सीड ऑयल डाल सकते हैं या कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। कैस्टर ऑयल आपका हैवी हो जाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा देख करके लाइट ऑयल डालिए जो कि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो, ठीक है। और इसको अच्छे से मिला करके आप स्क्रबिंग कीजिए पूरी बॉडी पर, स्ट्रेच मार्क पे, आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको लेना है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको लेनी है, जो टी बैग आती है उनको अच्छे तरीके से आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद इसमें आप 2 से 3 चम्मच लिकोराइज पाउडर ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इस मास्क को बनाकर आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो उसी जगह पर अप्लाई कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, ठीक है। जब भी आप इन सारी चीजों को करेंगे तो आपको बॉडी को नरिश करना जरूरी है। तो मैंने अपना DIY बॉडी लोशन शेयर किया हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को करने के बाद से। एक लास्ट पॉइंट ये है, गोटू कोला आपका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्ट्रेच मार्क को बहुत जल्दी हील करता है, खत्म करने में हेल्प करता है। आपको Amazon पे मिल जाएगा, Flipkart पे मिल जाएगा,
ठीक है, वहां से आप इसके पाउडर को लेकर के आपको गुलाब जल में या फिर आप ग्रीन टी में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जहां आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है, दाग की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है आपकी, वहां पर आप इसको अप्लाई कीजिएगा इसके मास्क को, तो आपके जो स्ट्रेच मार्क है वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इतनी सारी चीजें मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है बिना एक्सपेरिमेंट के और बिना किसी रीडिंग के, बिना किसी स्टडी के। कोई भी बंदा अगर आपके साथ शेयर करेगा तो वो इन सब चीजों के बारे में जानेगा ही नहीं। तो मैं आप लोग के साथ में जो नई नई चीजें लेकर के आती हूँ, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है और सोच समझ कर आप लोग समय चीजें शेयर की जाती हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी है? आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलती हूं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।